देखिए यहाँ पे कितना हैवी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है। लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, अभी देखिए इतना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है और ये शायद बढ़ने ही वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी रशिया में हूँ और ओरेनबर्ग है सिटी का नाम। देखिए कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, मेरे सिर पे देखिए कितना स्नो है। तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसे अगर हम इंडिया में जो टायर यूज़ करते हैं वो टायर यूज़ करें तो इस पे बहुत ही स्लिप करेगा। देखिए स्नो इतना ज़्यादा है तो स्लिप बहुत ज़्यादा करेगा। और नॉर्मल जो समर में टायर होता है वो देखिए ऐसा होता है, इसमें कुछ भी लगा नहीं होता, कुछ स्पेशल नहीं होता है। और बहुत ही विंटर के टाइम पे ये टाइट हो जाता है जिस कारण से इसको चलाना मुश्किल होता है और स्लिप होने लगता है। तो इसी कारण से हम लोग मतलब सब जगह जो भी विंटर कंट्री है वहाँ पे टायर चेंज करवाना पड़ता है विंटर में। तो अभी हम वहीं पे आए हैं। देखिए रशियन में लिखे हुए अब तो सर्विस, मतलब सर्विस है यहाँ पर। तो यहाँ पर टायर चेंज होगा, विंटर का स्पेशल टायर होता है। चलिए दिखाता हूँ विंटर का स्पेशल टायर। देखिए ये विंटर स्पेशल टायर है जिसमें इस पर सब कुछ लिखा है, लग जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये विंटर के लिए है। देखिए इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स भी बने हुए हैं ताकि आइस जो हो इसमें घुसे नहीं। इसमें तो आइस घुस जाएगा लेकिन इसमें ये ग्रिप बना के फिर चलेगा। और बहुत जगह पे इसमें आयरन भी लगा होता है, स्टील वगैरह लगा होता है जिसके कारण से माइलेज ख़राब हो सकता है गाड़ी का। और काम वैसा ही करता है लेकिन ये भी अच्छा है। और विंटर टायर का ये है कि ये कभी टाइट नहीं होगा कितना भी ठंड हो। चलिए मैं आपको वर्कशॉप के अंदर ले चलता हूँ और देखते हैं वहाँ पे कैसे काम करता है। जब हमारे यहाँ इंडिया में कोई टायर पंचर हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल से मैकेनिक को निकालना पड़ता है टायर और सब कुछ, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और रिम से भी टायर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है, ये घुमा के निकाल रहा है आराम से और ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। और उस साइड में बैलेंसिंग वाला है जो मतलब टायर को बैलेंसिंग करता है, तो उधर गोल गोल घुमा के बैलेंसिंग करके फिर लगाता है टायर को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे में। अभी हम सर्विस सेंटर में बैठे हैं। देखिए टेंजन यहाँ बैठा है बेचारा और ये गाड़ी ऊपर चढ़ी हुई है। एक टायर का काम ख़त्म हो गया, वो देखिए वहाँ पर टायर है, बाकी टायर वहाँ पर है। समर टायर निकल रही है, विंटर टायर अंदर जाएगी अब। और टोटल 10 टायर रखना पड़ता है गाड़ी में, 4 समर 4 विंटर और एक एक स्टेपनी। तो एक गाड़ी को मेंटेन करने के लिए रशिया में 10 टायर चाहिए, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है इतना मेंटेनेंस। और दो बार चेंज करवाना, मतलब समर में एक बार, मतलब समर जब स्टार्ट हुई स्नोफॉल बंद हुआ तब एक बार, और एक बार जब विंटर स्टार्ट हुई तब। तो इतना मेहनत। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए बीच वाले बड़े बड़े ग्रुप्स में स्नो फंस गया है, लेकिन ये छोटा छोटा जो है ये सब छोटा छोटा यही ट्रैक्शन देता है विंटर के टाइम पे। और ये देखिए विंटर के लिए ये स्नो वाला अलग ही रहता है टायर। और फाइनली सर्विसिंग क्या, टायर चेंज हो चुका है, मतलब समर टायर की जगह विंटर टायर आ चुका है। और एक कैमरा को थोड़ा ऊपर व्यू आ रहा था, रियर व्यू कैमरा जो है उसको थोड़ा नीचे टिल्ट कर दिया गया। तो टोटल इसका खर्चा 1000 टायर चेंज करने का, और टायर के साथ मतलब बैलेंसिंग वगैरह करता है तो बैलेंसिंग और टायर चेंज करने का 1000। और उसके बाद कैमरा को बस 1 वोल्ट लगा के नीचे कर देने का 350 रुपये लिया है। तो टायर वायर तो ठीक लगा लेकिन वही थोड़ा एक नट टाइट करने का 350, तो कुछ ज़्यादा ही लगा। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।